सर दोस्तों, आरसी स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एसएसबी कांस्टेबल का सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, मधुबनी चित्रकला की शैली भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? इसका उत्तर है, मधुबनी चित्रकला की शैली बिहार राज्य में लोकप्रिय है। प्रश्न नंबर दो, भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था? इसका उत्तर है, भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर तीन, यदि एम्बुलेंस या चमकती रोशनी सायरन बजाकर आपके गाड़ी के पीछे आ गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, यदि एम्बुलेंस या चमकती रोशनी सायरन बजाकर आपके गाड़ी के पीछे आ गई, तो जितनी जल्दी हो सके उनको रास्ता दे देना चाहिए, ताकि वह समय पर पहुंच सके। प्रश्न नंबर चार, सिक्किम की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। प्रश्न नंबर पांच, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। प्रश्न नंबर छः, पृथ्वी पर सबसे सख्त पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर है, पृथ्वी पर सबसे सख्त पदार्थ हीरा है। प्रश्न नंबर सात, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका उत्तर है, प्लासी की लड़ाई सन 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह अंग्रेजी और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। प्रश्न नंबर आठ, भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर है, भारत एक खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। प्रश्न नंबर नौ, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है, 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एजिल है। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? इसका उत्तर है, राष्ट्रमंडल खेल 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, पेंसिल बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? इसका उत्तर है, पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका उत्तर है, जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। प्रश्न नंबर 15, परमाणु का कौन सा भाग नहीं है? इसका उत्तर है, प्रोटॉन परमाणु का भाग नहीं है। प्रश्न नंबर 16, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? इसका उत्तर है, भारत में रेल लाइन का निर्माण बंबई और ठाणे के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 17, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर है, 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 18, चलने वाले पुर्जों में तेल लगाने की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है, चलने वाले पुर्जों में तेल लगाने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वह घर्षण हटाने के लिए काम में आते हैं।
प्रश्न नंबर 19, टायर की उम्र को कौन घटा देता है? टायर की उम्र को तेज गति और टायर में हवा कम भर कर चलाने से टायर की उम्र घट जाती है। प्रश्न नंबर 20, किस तरह का पानी इलेक्ट्रोलाइज का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आशुतोष जल इलेक्ट्रोलाइज के प्रयोग में किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, पीपी का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर है पीपी का संबंध बैडमिंटन खेल से है। प्रश्न नंबर 22, विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन देश कौन सा है? इसका उत्तर है विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक देश भारत है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और या लाइक करके।